नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, हम लोग समय और कार्य को यहाँ पर पढ़ रहे थे, उसी क्रम में साथियों हम लोग आपसे सूत्र पर आधारित प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में प्यारे साथियों हम लोग आज बढ़ेंगे आगे। आइए साथियों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चलिए पहला प्रश्न प्यारे साथियों आपके समक्ष यहाँ पर ये रहा। कल प्यारे साथियों आपको ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए दोस्तों, तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ये बात साथियों यहाँ पर आपसे इस प्रश्न में कही गई है। तो यमुन साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 550, यानी आप कह सकते हैं 550 इंटू D1। प्यारे साथियों आपके सवाल में यहाँ पर दिया गया 28 दिन, यानी 28 बराबर M2। प्यारे साथियों 550 पहले से थे, 150 यहाँ पर और आएंगे, यानी 5 × 1 = 6, 6 × 1 = 7, यानी M2 साथियों अब यहाँ पे आपके पास हो गए 700 लोग इंटू आपका यहाँ पर हो जाएगा D2। कट करेंगे प्यारे साथी आप तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 से 0, 14 से साथी आप काटेंगे तो 14 × 5 = 70, 14 × 2 = 28, 5 से आप काटेंगे तो 11 × 5 = 55, यानी 11 × 2 = 22 दिन प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर। यानी साथी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्यारे साथियों, वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। इस बात का दोस्तों आपको लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ। अगले प्रश्न में साथियों आपसे कहा गया है कि X-1 व्यक्तियों द्वारा X+1 दिनों में किए गए काम और X+2 व्यक्तियों द्वारा X-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है। तो आपको साथियों बताना है कि यहाँ पर आपका जो है वो X की वैल्यू क्या होगी। तो यमोन D1 साथियों आप कह सकते हैं X-1 व्यक्ति हैं यहाँ पर, D1 का मान साथियों X+1 आपको दिया गया है। इसके बाद साथी आप देख रहे हैं M2 आपको यहाँ पर दिया गया है X+2, और D2 साथियों आपको सेम यहाँ पर दिया गया है X-1। बटे में W1 साथियों आपको यहाँ पर दे रखा है उसने 9, और W2 प्यारे साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है 10। X-1 से X-1 को आप कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा 10X+10 = 9X+9 = 18। माइनस करेंगे साथी आप तो 10 में से 9 गया X हो जाएगा आपका, 18 में से 10 गया 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्यारे साथी जो आपका X की वैल्यू बनेगी वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी 8। इस बात का दोस्तों आप सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर बात की जाए। अगले प्रश्न में प्यारे साथी यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कुछ बढ़ईयों ने एक काम को 9 दिनों में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम को 12 दिनों में पूरा कर दिया। तो बढ़ईयों की मूल संख्या यहाँ पर प्यारे साथी आपसे कहा गया है कि क्या रही होगी। तो आप लोग प्यारे साथी यहाँ पे काम कर सकते हैं, बढ़ईयों की संख्या आपको नहीं दी गई है तो आप यहाँ पर साथी मान सकते हैं यक्ष, यानी आप कहेंगे जो मूल रूप से यहाँ पर बढ़ई रहे होंगे वो यक्ष रहे होंगे। तो यक्ष यमन हो गया साथियों, D1 आपके सवाल में यहाँ पर दिया गया है 9, यानी यक्ष इंटू का 9 बराबर।
लेकिन M2 साथियों आपको कहा गया है यहाँ पे कि 5 बढ़ई यहाँ पर अनुपस्थित हैं, यानी यक्ष -5 यहाँ पर प्यारे साथी रहे होंगे और उन्होंने काम को पूरा कर दिया यहाँ पर 12 दिनों में। इसी को प्यारे साथी आपको यहाँ पे हल करना है, तो आप कहेंगे 3 * 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 * 4 = 12, यानी 3x = 4x माइनस का आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 4 * 5 = 20, यानी आप कह सकते हैं 4 में से 3 गया x बराबर आपका प्यारे साथी यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। इस बात का दोस्तों आपको लेना है स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर आपसे बात करते हैं हम लोग। चलिए साथियों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, यदि उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो M1 साथियों यहाँ पे है ये नहीं है, H1 आपको दिया गया है 6 घंटे, D1 साथियों आपको दे रखा है यहाँ पे 18 दिन, तो 6 * 18 = यहाँ पे साथियों H2 आपको निकालना है और D2 का मान आपको दिया गया है 12, तो 6 से आप साथियों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 * 2 = 12, 2 से प्यारे साथी आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 * 9 = 18, यानी यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा प्यारे साथियों वो आएगा 9 घंटे, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों इस बात का, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर हम बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे प्यारे साथियों कहा गया है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिनों में सुधर जाएगी। तो आप प्यारे साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 आदमी है, यानी M1 आपका प्यारे साथियों 30 है, 18 दिनों में कहा गया है साथियों, यानी यहाँ पे जो आपका D1 हो जाएगा वो हो जाएगा 18 बराबर 6 आदमी साथियों यहाँ पे और लगाए जाएंगे, तो 30 पहले हैं 6 और लगाए गए, यानी यहाँ पे जो M2 हो जाएगा वो आपका साथियों 36 हो जाएगा, D2 आपको प्यारे साथियों यहाँ पर निकालना है, तो आप कहेंगे 18 * 2 = 36, 2 से आप काटेंगे तो यहाँ पे ये यह आपका हो जाएगा 15 दिन, यानी आप प्यारे साथी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है प्यारे साथियों वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों इस बात का, फिर हम लोग लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर बात की जाए। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन यक्ष घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यक्ष का मान यहाँ पर प्यारे साथी आपसे कहा गया है कि कितना होगा। तो आप लोग साथियों देख सकते हैं कि 50 व्यक्ति यहाँ पर आपसे कहा गया, तो 50 प्रतिदिन 6 घंटे, तो 6 * 12 दिनों में यानी * 12 हो जाएगा प्यारे साथियों आपका, बराबर यहाँ पे साथियों आपसे कहा गया है 60 व्यक्ति प्रतिदिन यक्ष घंटे काम करके साथियों 8 दिनों में यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, तो आपको प्यारे साथी यहाँ पे बताना है कि जो आपकी यक्ष की वैल्यू बनेगी प्यारे साथी वो यहाँ पर कितनी बनेगी। तो पहला स्टेप साथियों यहाँ पर होगा, आप 0 से 0 को काट सकते हैं साथियों, 6 से आप 6 को काट सकते हैं, 4 * 2 = 8 हो जाएगा साथियों, 4 * 3 = 12 हो जाएगा, यानी 2x = आपका प्यारे साथी हो जाएगा 5 * 3 = 15, यानी x = साथियों आपका आएगा 15/2,
या आप कह सकते हैं 2 × 14 यानी 7 सही 1/2। तो यक्ष का मान प्यारे साथियों यहाँ पे जो आपका बनेगा वो बन जाएगा 7 सही 1/2। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की यहाँ पे आपसे बात की जाए। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यदि यक्ष व्यक्ति एक कार्य को, यक्ष होगा प्यारे साथियों यहाँ पे, यदि यक्ष व्यक्ति एक कार्य को यक्ष दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को वाई व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि M1 भी आपका यक्ष है साथियों, D1 भी यहाँ पर आपका यक्ष हो जाएगा, M2 साथियों आपका वाई होगा इंटू D2 आपको साथियों यहाँ पर निकालना है। तो प्यारे साथी यहाँ पे जो D2 का मान हो जाएगा वो आप अगर यक्ष का गुणा यक्ष में करेंगे तो यक्ष स्क्वायर वाई बटे में जाएगा, बटे में हो जाएगा वाई। यानी यहाँ पे प्यारे साथी आपका जो ऑप्शन नंबर C है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न में प्यारे साथी यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिटें करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिटें कर पाएंगे। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आपको समझना है। M1 माने 7 व्यक्ति, D1 साथियों 7 दिनों, H1 आपको दिया गया है 7 घंटे, W1 साथियों आपको यहाँ पे दे रखा है 7 यूनिटें। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर। फिर साथियों आपसे कहा गया है 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कार्य की कितनी यूनिटें कर पाएंगे साथियों। यानी यहाँ पे आपका W2 आपको निकालना होगा। तो साथियों आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे आप 7 से 7 को काट देंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 × 49 इंटू का W2 बराबर 5 × 25 = 125। यानी यहाँ पे प्यारे साथी W2 बराबर आपका हो जाएगा 125/49। यानी आप कह सकते हैं प्यारे साथी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर B है वो प्यारे साथियों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ। ठेकेदारी की बात साथियों यहाँ पर आपसे हो रही है। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया, उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों के बाद प्यारे साथियों उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, ये प्रश्न प्यारे साथियों यहाँ पर आपके सामने है। चलिए आइए समझते हैं प्यारे साथियों कैसे करेंगे आप। तो जो ठेका है आप यहाँ पर प्यारे साथियों देख सकते हैं कि 100 दिनों का है। 100 दिनों का प्यारे साथियों यहाँ पर ठेका आपके सवाल में वो कह रहा है। तो 100 दिनों का ठेका है साथियों और ठेकेदार को 40 दिनों के बाद बातों का पता चला है।
यानी साथियों, अगर 40 दिन के बाद ठेकेदार को जानकारी हुई है, इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथी कि 60 दिन का काम अभी भी यहाँ पर शेष रहा होगा। यानी साथियों, यहाँ पे अगर D1 का मान आपका हो जाएगा 40 दिन, तो यहाँ पे साथियों D2 का मान आपका हो जाएगा 60 दिन। क्योंकि साथियों, कुल 100 दिनों का ठेका है, 40 दिनों के बाद यहाँ पर ठेकेदार को पता चला है, यानी आप कह सकते हैं कि इसका मतलब सीधा सीधा है कि 60 दिनों का काम साथियों अभी भी यहाँ पर शेष है। इसके बाद कहा गया है साथियों आपसे कि 1/3 काम ही हो पाया है। साथियों, 1/3 काम ही हो पाया है। 1/3 का मतलब ये हुआ प्यारे साथियों कि अगर आपका कुल जो काम है, अगर आपका जो कुल काम है वो अगर 3 रहा होगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 काम हो पाया है। अब अगर 3 में से 1 काम हो पाया है, इसका मतलब ये है साथियों कि ये आपका हो जाएगा W1, और जो साथियों आपका W2 होगा, 3 में से अगर 1 काम हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि 2 काम यहाँ पर अभी भी शेष होगा। यानी W2 का मान प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हो जाएगा 2। इसके बाद साथियों फार्मूला आपका वही रहेगा M1। M1 का मान साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 90, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 90 × D1। D1 का मान साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 40, तो गुणे 40/ W1। W1 साथियों सवाल में आपको दिया गया है 1, तो बटे में आपका हो जाएगा 1 बराबर M2। 90 व्यक्ति प्यारे साथियों पहले से हैं, कुछ व्यक्ति हमें और लगाने पड़ेंगे। हमने कहा कि हो सकता है कि यक्ष व्यक्ति हमें और लगाने पड़े, हालांकि प्यारे साथियों जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो बाद में हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं साथियों यहां पर कह सकता हूं कि अब जो आदमी लगेंगे वो यहां पर लग जाएंगे 90 और प्लस का यक्स। 40 दिनों का काम प्यारे साथियों यहां पर हो चुका है, यानी 60 दिन का काम अभी भी बचा है, यानी गुणे आपका यहां पर हो जाएगा 60। 3 में से प्यारे साथियों 1 काम हो गया है, 2 काम बचा है, यानी यहां पे आपका हो जाएगा बटे में 2। इसके बाद प्यारे साथी अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6, यानी 30। 0 से आप 0 काट सकते हैं साथियों, 3 × 3 = 9, यानी 40 × 3 आपका हो जाएगा 120 बराबर 90 और प्लस का यक्स। तो यहाँ से साथियों अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 120 माइनस का 90, यानी ये आपका प्यारे साथियों यहाँ पर आएगा 30। यानी आप कह सकते हैं साथी यहाँ पे कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आपको, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर आपसे बात करते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में साथियों बिल्कुल उसी तरह की ठेकेदारी की बात हो रही है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लेता है, तो 150 दिन की बात प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे वो कर रहा है। 150 दिनों का ठेका है और 50 दिनों के बाद उस व्यक्ति को पता लगा है, यानी अगर 50 दिन के बाद प्यारे साथियों उसे पता लगा है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो आपका D1 हो जाएगा साथियों वो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो अगर साथियों D1 50 होगा तो D2 यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 100 दिन बचे हैं, यानी यहाँ पे साथियों जो आपका D2 हो जाएगा वो हो जाएगा 100। इसके बाद साथियों आपसे यहाँ पे कहा गया है कि 1/4 काम ही पूरा हुआ है। 1/4 का मतलब प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा 1/4। यानी साथियों अगर यहाँ पे कुल काम आपका 4 रहा होगा, कुल काम अगर 4 रहा होगा साथियों, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक काम यानी W1 की वैल्यू प्यारे साथी जो यहाँ पर बनेगी वो हो जाएगी 1। यानी साथियों 4 में से यहाँ पर 1 काम हो गया है, इस बात को आप यहाँ पे कह सकते हैं।
तो अगर चार में से साथियों एक काम हो गया है तो जो आपका बचेगा साथियों वो यहाँ पर बच जाएगा तीन काम, क्योंकि चार में से प्यारे साथियों एक काम हो गया है। अब बिल्कुल पुराने मेथड के अकॉर्डिंग साथियों हम इसको कर सकते हैं। शुरुआत में यहाँ पे 200 व्यक्ति हैं, 50 दिनों तो काम हुआ इस प्यारे साथियों, एक काम हो पाया है। फिर हमने कहा 200 व्यक्ति पहले से थे साथियों, यक्ष व्यक्ति और आएंगे, 100 दिनों का काम बचा है और तीन काम साथियों यहाँ पर होना है। यही बात आपके सवाल में यहाँ पर आपसे कही जा रही है। साथियों आप काटेंगे तो यहाँ पे आपका 20 से कट जाएगा, 20 50 दूनी 100, 100 तिहाई 300, यानी 300 बराबर साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 200 प्लस का यक्ष, यक्ष बराबर साथी आपका आएगा 300 में से 200 गया 100। यानी साथियों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो यहाँ पर साथियों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। इस बात का दोस्तों आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर आपसे मैं बात करता हूँ। अगले प्रश्न में साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, तो वह साथियों कितने व्यक्तियों को हटाकर अपने कार्य को निश्चित समय पर पूरा कर सकता है। हर बार साथियों व्यक्तियों को जोड़ना पड़ रहा था, इस बार यहाँ पे ठेकेदार को व्यक्तियों को हटाना पड़ रहा है। तो जहाँ पे प्लस हो रहा था वहाँ पे हम प्यारे साथियों कर देंगे माइनस, बाकी की सारी प्रोसेस यहाँ पर एज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन ही रहनी है प्यारे साथियों। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कुल दिन यहाँ पे आपको दिया गया है 124 दिनों का साथियों यहाँ पर ठेका है और 64 दिनों के बाद प्यारे साथियों ठेकेदार को पता लग पाया है, यानी यहाँ पे जो आपका 64 डेज होगा प्यारे साथियों वो यहाँ पर हो जाएगा D1। तो अगर ये साथियों आपका D1 हो गया तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6, यानी 60 दिन का काम अभी भी शेष है। यानी साथियों यहाँ पे जो आपका D2 हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डेज। आपसे कहा गया है साथियों कि 2/3 काम यहाँ पर पूरा हो गया है। 2/3 का मतलब ये हुआ प्यारे साथियों कि अगर आपका जो कुल काम है, जो साथियों आपका कुल काम है अगर वो 3 रहा होगा तो 2 काम यहाँ पर प्यारे साथियों पूरा हो गया है। यानी साथियों W1 का मान आपका 2 हो जाएगा और W2 प्यारे साथियों अगर 3 में से 2 काम यहाँ पर हो गया है तो इसका मतलब है कि एक काम प्यारे साथियों अभी भी यहाँ पर शेष है, यानी W2 की जो वैल्यू बनेगी प्यारे साथियों वो यहाँ पर बन जाएगी 1। अब आप यहाँ पर अगर फार्मूले को लगाना चाहें तो शुरुआत में आप देख सकते हैं 120 व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, तो 120 गुणे 64 दिनों तक साथियों काम हुआ है और 2 काम हो पाया है, फिर 120 में से हमें यहाँ पर हटाना है। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 120 माइनस का आपका हो जाएगा यक्स इंटू साथियों D2 आपको दिया गया है यहाँ पे 60 और बटे में साथियों यहाँ पर एक काम अभी भी करवाना बाकी है। तो साथियों अगर आप काटेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 60 दूनी 120, 2 से प्यारे साथियों यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा कैंसिल। फिर आप कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि 64 बराबर आपका हो जाएगा 120 और माइनस का यक्स, तो यक्स बराबर हो जाएगा 120 माइनस का 64, यानी 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा साथियों, 11 में से 6 गया 5, यानी 56 व्यक्तियों को प्यारे साथियों यहां पर काम से हटाना होगा। यानी आपका साथियों जो ऑप्शन नंबर D है यहां पर वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन का, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ। अगले प्रश्न में साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हो तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर पाएंगे। या का कांसेप्ट है, बहुत ही प्यारा कांसेप्ट है प्यारे साथियों, बहुत ही थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस कांसेप्ट को पूरी तरह से यहां पर समझ पाएंगे। तो 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, या का मतलब यह है प्यारे साथियों कि चाहे काम को 12 पुरुष करें चाहे 18 स्त्रियां करें, काम यहां पर उतना ही होना है साथियों। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे आपके जो 12 पुरुष हैं वो बराबर हो जाएंगे साथियों 18 महिलाओं के। लासा प्यारे साथियों आपको यहां पर लेना है, लासा आप देख सकते हैं यहां पे आएगा 36, लासा लेना है प्यारे साथियों, लिख सकते हो आप इस बात को, लासा लेना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 12 3 36, यानी जो एक पुरुष की क्षमता आई साथियों वो यहां पर आ गई 3। और अगर यहां पे महिला की बात होगी साथियों तो महिला की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 18 2 36, यानी 2। तो यहाँ पे साथी एक पुरुष की क्षमता आपकी 3 बनेगी और एक महिला की क्षमता प्यारे साथियों यहाँ पर बन जाएगी 2। इसके बाद सबसे पहला स्टेप तो यही होगा साथियों कि हम यहाँ पर कुल काम को निकाल लें, क्योंकि बिना पूरा काम पता रहे हम काम को किसी व्यक्ति से कैसे करा पाएंगे। तो साथियों अगर आपको यहाँ पर कुल काम निकालना हो तो कुल काम बराबर फार्मूला नोट करेंगे सब लोग, कुल कार्य बराबर लासा गुड़े दिन। लासा प्यारे साथियों आपने यहाँ पे 36 निकाला है और दिन यहाँ पर साथियों आपके सवाल में दिया गया है 14 दिन, यानी साथियों यहाँ पे जो आपका कुल कार्य हो गया वो हो जाएगा 36 गुणे 14। अब साथियों देखिए करवाना किससे है, तो आप कहेंगे 8 पुरुष और 16 स्त्रियों से इस काम को करवाना है। तो साथियों अगर इस काम को यहाँ पे 8 पुरुष और 16 स्त्रियां करेंगी, 16 महिलाएं, तो 8 पुरुष का मतलब आपका हो जाएगा 8 गुणे 1 पुरुष की क्षमता प्यारे साथियों यहाँ पे 3 प्लस 16 गुणे 1 महिला की क्षमता आप लोग देख सकते हैं 2, यानी 8 3 24 और 16 2 32 हो जाएगा, जोड़ेंगे आप तो 4 और 2 6 3 और 2 5, यानी 56 की क्षमता से प्यारे साथियों आपको पूरे काम को कराना है। पूरा काम कितना है प्यारे साथी, तो पूरा काम यहाँ पे है 36 गुणे 14। समय बराबर साथियों यहाँ पे होता है कार्य बटे क्षमता, तो अगर आप समय निकालेंगे तो समय बराबर आपका हो जाएगा साथियों, समय बराबर काम आपका यहाँ पे है 36 गुणे 14, क्षमता आपने निकाल रखी है साथियों 56, 14 से काटेंगे 14 चौको 56, 4 से काटेंगे 4 9 36, यानी यहाँ पे साथियों आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 9 दिन, यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो साथियों पूरी तरीके से सही है। स्क्रीन शॉट लेंगे दोस्तों इस बात का, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 8 पुरुष या 12 लड़के कार्य 16 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष साथियों, 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य आपसे कहा जा रहा है कि 16 दिनों में कर सकते हैं। लासा लेंगे आप प्यारे साथी, तो लासा यहाँ पे आपका हो जाएगा 24, तो पुरुष की जो क्षमता आएगी वो आएगी 8 3 24 और लड़के की प्यारे साथी जो आपकी क्षमता आएगी वो यहाँ पर आएगी 2। तो पुरुष की क्षमता यहाँ पे प्यारे साथी आपकी हो जाएगी 3 और लड़के की क्षमता यहाँ पे हो जाएगी 2। तो आप सभी लोग साथियों अगर टोटल वर्क यहाँ पे निकालें, कुल काम, टोटल वर्क साथियों आप सभी को पता है कि लासा गुणे दिन, लासा यहाँ पे आपका आया है 24, दिन प्यारे साथियों आपके सवाल में यहाँ पर दिया गया है 16, यानी यहाँ पे जो आपका कुल काम बनेगा साथियों वो बन जाएगा 24 × 16। अब आपको देखना है साथियों कि इस काम को आप यहाँ पर करवा किससे रहे हैं, तो दिया गया है सवाल में कि 12 पुरुष और 6 लड़कों से साथियों आपको काम यहाँ पर करवाना है। तो 12 पुरुष प्लस
छह लड़कों से साथियों आपको कराना है। तो एक पुरुष की क्षमता 3 यानी 12 इंटू का 3, एक लड़के की क्षमता 2 यानी 6 इंटू का 2, तो 12 तियाई 36 और 6 दूनी 12 यानी 6 और 2 8, 3 और 1 4 यानी यहाँ पे साथियों आपको 48 की क्षमता से इसी काम को करवाना है। तो साथियों अगर आप यहाँ पे समय निकालेंगे तो समय बराबर आपका कार्य बटे क्षमता, कार्य आपको पता है 24 × 16 बटे क्षमता यहाँ पे आपने निकाल रखी है 48। 16 से प्यारे साथियों आप काटेंगे तो 16 तीन 48 हो जाएगा, 3 से आप काटेंगे तो 3 8 24 यानी यहाँ पे प्यारे साथियों जो आपका उत्तर आएगा वो हो जाएगा 8 दिन, यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है आपको इस बात का, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की यहाँ पे आपसे बात की जाए। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियाँ या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीनों में कर सकते हो तो 5 पुरुष 5 स्त्रियाँ और 5 बच्चे एक साथ उस कार्य को, कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर पाएंगे। आधा काम ही करवाना है दोस्तों इस बार आपको। तो 10 पुरुष हैं साथियों, 10 पुरुष 20 महिलाएं और 40 बच्चे। लासा आप लेंगे प्यारे साथियों, लासा यहां पे आपका 40 आएगा। पुरुष की क्षमता 10 चौक 40 हो जाएगी, महिला की क्षमता साथियों 20 दूनी 40 और बच्चे की यहां पे हो जाएगी 40 एकन्नम 40, यानी पुरुष की क्षमता यहां पे 4 आएगी, महिलाओं की क्षमता 2 आएगी और एक बच्चे की क्षमता प्यारे साथियों यहां पे आ जाएगी 1। टोटल वर्क अगर आप साथियों यहां पे निकालना चाहें तो टोटल वर्क बराबर एलसीएम 40 और गुणे दिन या महीने साथियों यहां पे आपको दिया गया है 7 महीने यानी 40 × 7 हो जाएगा। करवाना किससे है साथियों, तो 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे। तो 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चों से करवाना है। 5 कामन लेंगे साथियों, तो पुरुष प्लस महिलाएं प्लस बच्चे यानी 5 कामन लेने पे एक पुरुष की क्षमता 4, एक महिला की 2, एक बच्चे की 1 यानी 5 × 4 = 2 = 6 × 6 = 7 यानी यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 5 × 7 = 35 यानी साथियों आपको 35 की क्षमता से यहाँ पर काम करवाना है, लेकिन इस काम का आधा काम ही आपको करवाना है ऐसा यहाँ पर आपसे साथियों सवाल में कहा गया है। काम साथियों आप लोग देख सकते हैं 40 × 7 है, अगर इसका आधा काम ही मैं करवाऊंगा तो 2 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 20 × 7 = 140 यानी साथियों इसका मतलब ये है कि कुल काम आपका अब 140 ही यहाँ पर बचा है। तो अब अगर आप साथियों यहाँ पे समय की बात करेंगे तो समय बराबर आपका हो जाएगा 140 काम है साथियों, 35 की क्षमता से करवाना है, 35 से आप काटेंगे तो 35 चौका 140 यानी 4 महीने यहाँ पर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा उत्तर, यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो दोस्तों पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर बात की जाए। यहाँ पर आपसे कहा गया है साथियों कि 4 पुरुष या 6 स्त्रियाँ एक कार्य 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में कर सकते हैं। चलिए साथियों आप कह सकते हैं 4 पुरुष या 6 महिलाएं। लासा लेंगे साथियों, लासा यहाँ पे आपका आएगा 12, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और यहाँ पे महिलाओं का आपका हो जाएगा साथियों 6 दूनी 12। टोटल वर्क प्यारे साथियों अगर आप यहां पर निकालें तो 12 लासा आया है, 7 घंटे रोज कर रहे हैं इंटू का 7 हो जाएगा, 12 दिन में कर रहे हैं तो इंटू का यहां पे हो जाएगा 12 यानी 12 × 7 × 12।
अब साथियों यहाँ पे करवाना किससे है, सिंपल दुगुना बड़ा कार्य करवाना है साथियों। यहाँ पे ये केवल कार्य आया है, दुगुना कराएंगे तो इनटू का दो यहाँ पर प्यारे साथी आपको और जोड़ना होगा। करवाना किससे है तो आप देख सकते हैं कि दस पुरुष और तीन महिलाओं से प्यारे साथियों आपको यहां पर इस काम को करवाना है। तो दस पुरुष का मतलब हो जाएगा 10 × 3, तीन महिलाओं का मतलब साथियों यहां पे हो जाएगा 3 × 2, यानी 10 × 3 = 30, 3 × 2 = 6, यानी साथियों 30 और 6 यहां पे आपका हो जाएगा 36। लेकिन साथियों इस 36 काम को यहां पर आपको इस काम का डबल करवाना है। आपसे कहा गया है ठीक है हमने यहाँ पर डबल कर भी दिया, और यहाँ पे आपसे कहा गया है प्रतिदिन 8 घंटे आपको काम करवाना है, यानी क्षमता साथियों 36 है और 8 घंटे रोज काम होगा। यानी साथियों कुल काम यहाँ पे अगर आप समय निकालेंगे तो जो काम करवाना है वो करवाना है 12 × 7 × 12 × 2, और बटे में साथियों आप कह सकते हैं यहाँ पे 36 इनकी क्षमता है और रोज यहाँ पर 8 घंटे साथियों काम होना है। अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 × 3 = 36, 3 से आप साथियों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8 से साथियों 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आपका प्यारे साथी उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 7 या 7 days। यानी प्यारे साथी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सही हो जाएगा। स्क्रीन शॉट लीजिए दोस्तों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर बात की जाए। अगले प्रश्न में साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 3 पुरुष और 7 स्त्रियां एक कार्य 5 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों या की बात आपसे हो ही नहीं रही है, आपसे कहा गया है तथा, तथा का मतलब साथियों यहाँ पे आपका होगा प्लस। तो आप साथियों कह सकते हैं कि 3 पुरुष, तथा का मतलब प्लस, 7 महिलाएं किसी काम को यहाँ पर कर सकते हैं 5 दिनों में। फिर आपसे कहा गया है साथियों कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को यहां पर कर सकते हैं 4 दिनों में, यानी इनटू का आपका हो जाएगा प्यारे साथी यहां पे 4। 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक कार्य यहां पे प्यारे साथी कर सकते हैं 5 दिनों में। फिर आपसे कहा गया है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कर सकते हैं 4 दिनों में। M1D1 = M2D2 यहाँ पर साथियों हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको गुणा करवाना है, अगर आप गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 × 3 = 15P प्लस का 5 × 7 = 35M बराबर 4 × 16P प्लस का 4 × 6 = 24M। माइनस करेंगे प्यारे साथियों तो 16 में से अगर आप 15 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1P बराबर 35 में से साथियों अगर आप यहां पर 24 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11M, यानी P बराबर साथियों यहां पे आपका हो जाएगा 11M। तो यहां से साथियों आप कह सकते हैं कि P बटे M बराबर आपका हो जाएगा 11/1, यानी पुरुष की क्षमता आप कह सकते हैं 1 है और 11 है, और महिला की क्षमता प्यारे साथियों यहाँ पर आपकी हो जाएगी 1। रीचेक भी कर सकते हो आप, यहाँ पे आपका 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 3 पुरुष और 7 महिलाएं कहा गया है तो 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 4 पुरुष और 6 स्त्रियां कहा गया है तो ये आपका यहाँ पे 4 दिन कहा गया है तो 4 × 16 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 16 में से 15 = 1 हो जाएगा, 35 में से 24 = यहाँ पे साथियों आपका 24 और 10 = 34 और 1 = 35, तो पी बटे एम बराबर प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा 11/1। अब साथियों कुल काम आप चाहे यहाँ पे P और M की वैल्यू रख के निकाल लें, चाहे वहाँ पे निकाल लें, दोनों की वैल्यू प्यारे साथियों यहाँ पे वही आने वाली है। तो साथियों अगर यहाँ पे आप कुल काम निकालो, कुल कार्य, तो कुल कार्य साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 3P प्लस का 7M और इनटू का 5।
तो आप साथी कह सकते हो यहाँ पे 3P का मतलब 3 × 11 प्लस 7 × 1 और गुणे 5, 11 × 3 = 33, 33 × 7 = 40, 40 × 5 = 200। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका कुल काम हो जाएगा वो हो जाएगा 200। करवाना किससे है? 10 स्त्रियों के एक दल से। यानी साथियों इस बार केवल 10 महिलाएं ही यहाँ पर काम करेंगी। तो 10 महिलाओं का मतलब प्यारे साथियों यहाँ पर ये हुआ, आप देख सकते हो कि एक महिला की क्षमता यहाँ पर एक है, तो 10 महिलाओं की क्षमता हो जाएगी 10 × 1 यानी 10। समय बराबर साथियों कार्य बटे क्षमता, ये हमने यहाँ पर क्षमता निकाली है साथियों। तो कार्य आपका यहाँ पे 200 है, क्षमता साथियों यहाँ पे 10 है, 0 से आप 0 काटेंगे यानी ये आपका यहाँ पर प्यारे साथियों बन जाएगा 20। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर आपसे मैं बात करता हूँ। अगले प्रश्न में प्यारे साथी आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियाँ एक साथ मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष प्यारे साथियों, 3 पुरुष और 8 महिलाएं, 3 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को यहाँ पे कर सकते हैं साथियों 12 दिनों में। यानी यहाँ पे आपका इनटू का हो जाएगा 12। फिर साथियों आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं, यानी 2 पुरुष और 7 महिलाएं साथियों इसी काम को यहाँ पे कर सकते हैं 16 दिनों में। हल करेंगे प्यारे साथियों अगर इसको आप, तो ये आपका हो जाएगा बर्त यही 36P प्लस का 12 × 8 = 96 बराबर 16 × 2 = 32P और प्लस का 16 × 7 = 112। ये प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 में से साथियों अगर आप 32 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4P बराबर 112 में से साथियों अगर आप यहाँ पे 96 को माइनस करें तो 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा प्यारे साथियों। यानी यहाँ पे ये आपका बन जाएगा साथियों 16M। तो 4P बराबर साथियों आपका यहाँ पे आ जाएगा 16M, तो P बटे M बराबर आप कह सकते हैं कि 16 बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 = 16। यानी साथियों पुरुष की क्षमता यहाँ पे 4 आएगी और महिलाओं की क्षमता यहाँ पर आ जाएगी 1। अब साथियों सबसे पहला काम यहाँ पे आपका ये होगा कि आपको प्यारे साथियों सबसे पहले कुल काम को निकाल लेना है। तो आप साथी यहाँ पे अगर कुल काम को निकालना चाहें तो जो आपका कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य बराबर 3 पुरुष प्लस का 8 महिला प्यारे साथियों 12 दिनों में कर रहे हैं। 3 पुरुष का मतलब 3 × 4 प्लस 8 महिला का मतलब 8 × 1 और गुणे बाहर आपका हो जाएगा 12। तो 3 × 4 = 12, 12 × 8 = 20 यानी 20 × 12 साथियों यहां पे आपका आ जाएगा टोटल वर्क या कुल कार्य। अब साथियों करवाना किससे आपको देखना है, तो आप देख सकते हैं कि 8 पुरुष और 8 महिलाओं से मुझे प्यारे साथियों इस काम को यहां पर कराना है। तो 8 पुरुष है साथियों, 8 महिलाएं हैं, 8 पुरुष 8 महिलाएं। 8 पुरुष का मतलब ये हुआ साथियों कि 8 × 4, 8 महिलाओं का मतलब हुआ कि 8 × 1 यानी 8 × 32, ये आपका हो जाएगा साथियों 8 × 8 = 8 यानी 32 और 8 यहाँ पर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा 40। यानी साथियों यहाँ पे आपको 40 की क्षमता से इस काम को करवाना है। कुल काम साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है 20 × 12। तो अगर आप प्यारे साथी यहाँ पे समय को निकालेंगे तो समय बराबर कार्य है 20 × 12 बटे में प्यारे साथियों आपकी जो क्षमता है वो आपने यहाँ पर निकाली है 40। 20 × 2 = 40 हो जाएगा प्यारे साथियों, आप देख सकते हो 20 × 2 = 40 और 2 से आप काटेंगे तो 2 × 12 यानी समय साथियों यहां पे आपका आएगा 6 दिन। इस बात का दोस्तों आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
चलिए साथियों आइए, क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर आपके समाप्त हो चुके हैं। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सभी को दोस्तों पिछले जितने भी पार्ट यहाँ पे टाइम एंड वर्क के 5 पार्ट आपके पास टोटल होंगे, आपको साथियों सभी को पढ़ना है। तो आने वाले एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में साथियों, आपको कोई भी समस्या टाइम एंड वर्क चैप्टर को लेकर मैथ में नहीं होगी। चलिए साथियों, कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। पढ़ते रहिए आप लोग तब तक के लिए, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अगर कोई भी आपका डाउट है तो आपको पूछना है, मैं उस डाउट का रिप्लाई साथियों अगली क्लास में करूंगा। चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।